हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में खुशहाल्स होम गार्डनिंग में। और आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, ये तुलसी का पौधा है, तुलसी का प्लांट है। और इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पत्तों से काफ़ी सारी दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं। और काफ़ी प्यारा प्लांट है, हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी मान्यता है, इनकी पूजा होती है तुलसी की। हम इसको अपने घर में देवी का रूप मानते हैं। और आप ये देख रहे हैं, इसमें दो तुलसियां हैं, ये जो रेडिश दिख रही हैं या श्यामा तुलसी हैं, जो ग्रीन टाइप में दिख रही हैं आपको, ये रामा तुलसी है। और दो तुलसी और होती हैं, एक वन तुलसी होती है और जो वनों में पाई जाती हैं, एंड फोर्थ तुलसी होती है कपूर तुलसी, जो कि वो भी आसानी से नहीं मिलती है। ये देख रहे हैं, काफ़ी हरा भरा प्लांट है, काफ़ी भरा हुआ है। और ये जो दोनों तुलसी हैं, ये मैंने दोनों साथ में ही लगाई थी गमले के अंदर, आप देख पा रहे होंगे, दोनों ही साथ में लगाई थी। काफ़ी प्यारा पौधा है। अभी देखिए इनको, ये करीबन 2 ईयर से मेरे पास ये प्लांट है पॉट के अंदर, देख सकते हैं। केयरिंग की अगर इसकी बात करें तो इनको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं होती है तुलसी को। देखिए इसमें जो पैड्स लगते हैं, इसमें जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो भी इसमें कीटाणु लग जाते हैं, आपने देखे होंगे छोटे 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 कीड़े से वो लग जाते हैं। इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं हर महीने एक बार। और अगर हम इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें, ये देखिए, तो इसमें थोड़ी हल्की मिट्टी बनाइए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें 60% गार्डन सॉइल को रखा हुआ है, और 40% आप पत्तों से इसमें मिक्सर बना के अपनी सॉइल तैयार कर सकते हैं। थोड़े कुछ पत्ते ले लीजिए, कुछ आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जब भी इसमें वाटरिंग करें तो वाटरिंग जो पानी है वो रुकना नहीं चाहिए, नीचे चला जाना चाहिए आराम से। तो देखिए, वैसे तुलसी में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जैसे सर्दियाँ आती है तो पाला पड़ता है काफ़ी जगह पे, काफ़ी ठंड पड़ती है, तब उसके ऊपर थोड़ा सा लाल अपना कोई भी चुन्नी वगैरह या अपना कोई भी कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। एंड अगर बात करें गर्मियों में, तो डायरेक्टली ज़्यादा जहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस अगर आपको हो जाता है, सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ज़्यादा अगर गर्मी पड़ जाती है तो वहाँ पर भी इसको यूज मतलब नहीं ना रखें, थोड़ा छाँव में किसी का थोड़ा प्रोटेक्ट करके आप रख सकते हैं। ये गमले के अंदर तुलसी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हमने एक ज़मीन के अंदर भी लगाई हुई है। उसकी लाइफ जो है वो हमारे पास 4 या 5 साल से अभी है, जो डायरेक्टली हमारे ज़मीन के अंदर लगी हुई है। ये अगर आप देख सकते हैं, ये ज़मीन के अंदर लगी हुई है, ये देखिए, ये भी बहुत घनी तुलसी है। देखिए ये प्रॉपर ज़मीन के अंदर लगी हुई है, ये देखिए काफ़ी बड़ी तुलसी है ये हमारे पास, और 4-5 साल इस तुलसी की लाइफ को हो चुके हैं इनके। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये हमने ज़मीन के अंदर ही इसको लगाया था, कितनी प्यारी तुलसी है। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं हमारे यहाँ पर भी, और मैं बताना चाहूँगा कि इसको आप घनी किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आपके पॉट में हो या आपके ज़मीन के अंदर हो। देखिए आप इसके ऊपर ये देख रहे हैं, ये जो इसके बीज होते हैं, आप यहाँ से इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। जब जब आप टाइम से इसकी टॉपिंग करते रहेंगे, कटिंग करते रहेंगे, ये तो ये घनी होती जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसको कटिंग करती रहिए ऊपर, ये जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये देख रहे, तीन तीन जगह से ये आते हैं इसके बीज, आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपकी तुलसी धीरे धीरे घनी हो जाएगी और काफ़ी बड़ी तुलसी लगेगी, काफ़ी घनी लगेगी, बूशी लगेगी, बूशी टाइप में लगेगी। बट काफ़ी लोगों के मैंने घर में देखा है तुलसी को पर्सनली, कि वो तुलसी उनकी सीधा सीधा लंबी लंबी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देती है तुलसी। इस तरीके से तुलसी जो होती है, जब घनी लगती है, घनी होती है जब अच्छी लगती है, बड़ी लगती है। ये देखिए कितनी 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 सारी कितनी बड़ी तुलसी हो चुकी है, और वही हमारे प्लांट पॉट के अंदर है। ये पॉट में देखिए आप, ये भी काफ़ी काफ़ी घनी तुलसी है, और इन्हीं के बीज से मेरे पास काफ़ी सारी तुलसी है जो मैंने पॉट में लगाई हुई है। तो कैसा लगा आपको वीडियो,
मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।